हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज हम बात करने वाले हैं मेंस्ट्रुअल कप्स के बारे में और उनसे जुड़े कई सवाल, जैसे कि कौन सा यूज़ करें, कैसे यूज़ करें, क्यों यूज़ करें, तो और उनके साथ कई और अनसुलझे जवाब जो आपको कहीं और वीडियो में नहीं मिलेंगे, जैसे वर्जिन हो तो यूज़ करें या ना करें। दूसरा, इसके साथ यूरिन जाने में कोई दिक्कत होगी या नहीं, ये कंफर्टेबल है, आउटिंग में हम इसको यूज़ कर सकते या नहीं, इसका डिस्पोज कैसे करें, कई सारे सवालों का जवाब मैं आज आपको देने वाली हूँ। वीडियोस तो आपने बहुत सारे देख रखे होंगे, इसकी इंसर्शन और इसको कैसे रिमूव करें, इसकी भी मैं नई और इजी टेक्निक आज आपको बताने वाली हूँ। तो मैं डॉक्टर प्रियंका यादव, मेरे साथ जुड़े रहिए इस वीडियो में आखिर तक। तो सबसे पहला सवाल, व्हाई यू शुड रिप्लेस इट विथ योर रेगुलर पैड्स और टेम्पॉन्स, यानी कि हमें तो इतना कंफर्टेबल हो रहा है भाई, कोई स्ट्रेनिंग नहीं है, कोई पेन नहीं है, लेकिन यदि आप एक बार इस मेंस्ट्रुअल कप में स्विच ओवर हो जाएंगे, बाद में आपको पता चलेगा कि पैड्स एंड टिम्पॉन्स कितने अनकंफर्टेबल है और उसका जो डिस्पोज है वो भी थोड़ा सा इको फ्रेंडली नहीं है। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, व्हाई आई शुड रिप्लेस इट विथ मेंस्ट्रुअल पैड्स एंड टिम्पॉन्स, तो उसका आंसर ये है कि इजी टू यूज़। सुबह आप एक बार इंसर्ट करेंगे तो 4 to 6 आवर में आपको इसको रिप्लेस करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, जैसे आपको अपने पैड रिप्लेस करने पड़ते हैं। सुबह इंसर्ट करेंगे तो मैक्सिमम में 8 to 10 आवर्स हेवी फ्लो वाले दिनों में, और चौथे या पाँचवें दिन में तो सुबह एक बार इंसर्ट किया, रात तक चलेगा। रात में एक बार इंसर्ट किया तो डायरेक्ट सुबह, बीच में कोई भी पैड बदलने के लिए आपको अपनी नींद खराब करने की ज़रूरत नहीं रहेगी। दूसरा इसका रीज़न है कॉस्ट, क्योंकि इसकी कॉस्ट एक कप आएगा 300 to 1000 के बीच में, जो मिनिमम आपको 4 to 5 ईयर्स तक चलेगा, और हमारे पैड आते हैं 50 rupees के अराउंड, जो हेवी फ्लो वाले दिनों में तो ज़्यादा से ज़्यादा 2 दिन तक चलेगा। तीसरा रीज़न है इसका बम्पिंग, यानी कि यदि आप पीरियड के दिनों में है, जीन्स वगैरह पहनेंगे तो जो पेड का बम्पिंग है वो विजुलाइज हो जाएगा, लेकिन ये अंदर इंसर्ट हो जाएगा तो किसी को पता भी नहीं चलेगा कि भाई इसका मेंस्ट्रुअल डेज चल रहा है। पेड में जो इरिटेशन, रेडनेस, इचिंग ऐसा कंप्लेन आती है वो इस कप में नहीं आएगी, क्योंकि ये कप अंदर इंसर्ट हो जाएगा और आपको बाहर कोई भी इरिटेशन, रेडनेस नहीं होती। हेवी फ्लो वाले दिनों में तो ब्लड हमारे लुब्रिकेशन का काम कर देगा, तो जो पेड की इरिटेशन होती है वो नहीं होती, लेकिन 4 to 5 डे जब कम ब्लड लॉस होता है तब वो पेड का जो ड्राइनेस होती है वो पूरी वजाइना को इरिटेट और रेड कर देती है, इचिंग कर देती है, जो कई दिनों तक चलती है। तो इसका ये रिजल्ट है कि इसमें कोई भी इरिटेशन नहीं है, कोई भी कंप्लेन नहीं है, इन्फेक्शन लगने के चांसेस भी बहुत कम है, और पेड की वजह से जो कैंसर के रेट बढ़ रहे हैं, कैंसर ऑफ वुल्वा, वजाइना, यूट्रस, वो रेट भी इस मेंस्ट्रुअल कप से हम डिक्रीज कर सकते हैं। स्टेनिंग का प्रॉब्लम इस मेंस्ट्रुअल कप में नहीं होगा, क्योंकि जो इसका अपर पोर्शन है वो सर्विक्स में फिट हो जाएगा, तो जो लीकेज वाला होता है प्रॉब्लम वो इसमें नहीं होगा। और एक और रीज़न, मेन रीज़न ये है कि इको फ्रेंडली है, आपको कहीं भी डिस्पोज करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इसमें जो ब्लड है वो आप सिंक में डाल दें, इसको ईजिली अपने जो वाटर है उसके साथ वॉश कर दे और फिर रीइंसर्ट कर दे, डिस्पोज का प्रॉब्लम ये फिनिश कर देगा। कहीं पर आप गेस्ट बनकर गए, या फिर कहीं पर आप पब्लिक टॉयलेट यूज़ कर रहे हैं, मूवी देखने गए, कहीं और भी गए, तो आपको ऐसा लग रहा है पेड अब मैं कहाँ पर फेंकूँ, तो ये प्रॉब्लम यहाँ पर नहीं होगी। इसमें जो ब्लड है वो आपको सिंक में डाल देना है, वाटर से वॉश कर दीजिए और फिर रीइंसर्ट कर दीजिए, किसी को पता भी नहीं चलेगा कि भाई इसका पीरियड वाला दिन चल रहा है। तो फ्रेंड, ये इसका आंसर था व्हाई आई शुड रिप्लेस। दूसरा क्वेश्चन ये आ रहा होगा कि विच कप आई शुड यूज़, यानी कि स्मॉल साइज, मीडियम साइज या लार्ज साइज। वर्जिन लोगों को ये क्वेश्चन आ रहा होगा कि भाई मैं यूज़ करूँ या ना करूँ, तो उसका मैं आंसर देती हूँ नो, यानी कि यदि आप वर्जिन है तो चाहे कितने भी एड या फिर वीडियो में आपने देखा होगा कि भाई वर्जिन यूज़ कर सकते हैं, लेकिन मैं ना बोल रही हूँ, क्योंकि यदि आप वर्जिन है इसको इंसर्ट करेंगे तो हाइमेन ब्रेक हो जाएगा और फिर आपकी वर्जिनिटी इसकी वजह से लूज हो सकती है, तो वर्जिन लोग इसको प्लीज़ यूज़ ना करें।
जिसकी नॉर्मल डिलीवरी हुई है और जिसको सिजेरियन सेक्शन हुआ है उसके लिए भी इसकी साइज़ अलग अलग होगी। जरूरी नहीं है कि मैरिड है तो आप लार्ज यूज़ करें। यदि आपकी नॉर्मल डिलीवरी हुई है तो आपको लार्ज यूज़ करना है, लेकिन यदि आपका सिजेरियन सेक्शन हुआ है तो आपका जो वजाइना है वो उसकी साइज़ इतनी बड़ी नहीं होगी। तो यदि आप लार्ज यूज़ करेंगे तो लीकिंग की प्रॉब्लम हो सकती है। तो यदि आपकी नॉर्मल डिलीवरी है तो आप स्मॉल साइज़ में जा सकते हैं। लार्ज साइज़ कभी कभी आपको लीकिंग की प्रॉब्लम कर सकती है। कई लोगों ने तो मेंस्ट्रुअल कप यूज़ भी किया होगा और उसको अनकम्फर्टेबल लगा, एक दो बार यूज़ किया फिर अलमारी में अभी रख दिया होगा। तो आज मैं इसे नई और इजी रीत बताने वाली हूँ इंसर्शन की और रिमूवल की। तो इंसर्शन में आपको बिल्कुल डिसकम्फर्ट नहीं होगा और रिमूव करेंगे तो आपको बिल्कुल भी लीकिंग नहीं होगी। तो ये नई आपको मेथड सीखने के लिए नेक्स्ट स्टेप पूरा देखना पड़ेगा। तो चलिए आगे बताती हूँ कैसे इसको यूज़ करते हैं। टिप्स टू फॉलो वाइल यूजिंग दिस कप। सबसे पहले अपने नाखून यानी कि नेल्स को कट कर दीजिए। यदि ये लंबे हो गए तो वजाइना वॉल्ट में लग जाएंगे तो ब्लीडिंग और इन्फेक्शन के चांसेस हो सकते हैं। दूसरा, अपनी वजाइना को और हाथ को अच्छी तरह से वी वॉश या कोई भी और सैनिटाइज से सैनिटाइज कर दीजिए। अब बात करते हैं इसको कैसे इंसर्ट करते हैं। कई और वीडियो में आपने देखा होगा कि इस तरह से बीच में आपको हाथ रख के इस तरह से सी बनाकर आपको वजाइना में इंसर्ट कर देना है, लेकिन इससे क्या कंप्लेंट होती है, ये पॉप आउट नहीं होता। तो मैं आपको इजी टेक्निक बताने वाली हूँ कि आपको क्या करना है, ऊपर से पकड़ना है, इस तरह से फोल्ड करना है ऊपर से, नीचे से इस तरह से खुला रहेगा, फिर इस तरह से वजाइना में आप इंसर्ट कीजिए। उसके बाद क्या करना है, आपको यहाँ पर पिंच करना है। पिंच करने पर ये पूरा का पूरा खुल जाएगा और आपको पॉप ऐसी साउंड आएगी। जब ये साउंड आए तो समझना कि ये आपके अंदर खुल गया है और सर्विक्स पर इजीली चिपक गया है। कंप्लीट इंसर्शन तब हुआ जब आपके के पूरा का पूरा कप वजाइना में फिट हो जाएगा, पॉप साउंड आ जाएगा। उसके बाद ना ही आपको कोई डिस्कम्फर्ट फील होगा, ना ही वॉकिंग में आपको डिस्कम्फर्ट लगेगा और पूरा दिन कोई लीकिंग की कंप्लेन भी नहीं होगी। तो ये थी इजी इंसर्शन टिप्स। इंसर्शन से भी ज़्यादा कंप्लेन इसको रिमूव करने में आई है, यानी कि जब भी रिमूव करते हैं तो फर्श भी गंदी हो जाती है और पूरे कपड़े पर भी स्टेन लग जाता है। तो उसकी भी एक इजी टिप्स मेरे पास है। जब भी आपको रिमूव करना होता है तब इस तरह से स्टेम नहीं पकड़ना है। तो आपको क्या करना है, जिस तरह से हमने अपर पार्ट में सी बनाकर इंसर्ट किया था, सेम प्रोसेस हमें रिमूव करने के लिए भी करनी है। ये स्टेम पकड़कर हमें नीचे नहीं खींचना है क्योंकि इससे स्ट्रेनिंग हो जाती है और हमारा पूरा कप पर कंट्रोल नहीं रहता है। हमें क्या करना है, लोअर पार्ट ऑफ द कप में इस तरह से उंगली डालनी है और वहाँ पर छोटा सा सी बनाना है। देख लीजिए किस तरह से, इस तरह से उंगली डालकर वहाँ पर छोटा सा सी बन गया, देख लीजिए। और ये सी बनाकर हमें क्या करना है, इस तरह से रिमूव कर देना है। आप देख सकते हैं ये पूरा का पूरा कंट्रोल रहता है। फिर इसे सिंक में जाके फ्लश आउट कर दीजिए। इसका स्टोरेज भी इतना ही इम्पोर्टेंट है क्योंकि यदि आप कहीं और जगह पर रख देंगे तो PID और इन्फेक्शन के चांसेस बढ़ जाता है। तो इसको कहाँ पर स्टोर करना है, ये मेंस्ट्रुअल कप के साथ जो पाउच आता है उसमें ही हमें रख देना है और फिर इस तरह से पैक कर देना है, क्योंकि ये इस तरह से कस्टमाइज़ किया जाता है कि इसमें एयर सर्कुलेशन बना रहे और एक कप की जो पूरे की पूरी क्वालिटी है वो मेंटेन हो सके। तो चलिए अब बात करते हैं कुछ अनसुलझे क्वेश्चंस के बारे में, जैसे कि मैं इस कप को पहनने के बाद यूरिन प्रॉपरली कर सकती हूँ या नहीं। जी हाँ, इस यूरिन के पहनने के बाद यूरिनेशन में कोई भी दिक्कत नहीं आती है। दूसरा, रात में इसको यूज़ कर सकते हैं या नहीं, यानी कि इसको पहनने के बाद हम सो सकते हैं या नहीं। जी, आप सो सकते हैं, कोई भी साइड में सोइए, लेकिन आपको कभी लीकिंग की प्रॉब्लम इस कप पहनने के बाद नहीं होगी। तीसरा क्वेश्चन, वॉकिंग में ये कंफर्टेबल है या नहीं। तो जी हाँ, वॉकिंग करेंगे तो भी आपको पता भी नहीं चलेगा कि अंदर ये कप है या नहीं। और एक क्वेश्चन कि ये कोई इन्फेक्शन करेगा या नहीं, यानी कि ये प्लास्टिक है तो कई लोगों को ऐसा होगा कि भाई इसे कैंसर हो जाएगा, इन्फेक्शन हो जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं है। प्रॉपरली आप यूज़ करेंगे,
थोड़ा सा हाइजीन का ख्याल रखेंगे तो ये कप कभी भी कोई भी कॉम्प्लिकेशंस नहीं करता है। तो फ्रेंड्स, आपको और कोई भी क्वेश्चन हो तो आप मुझे पूछ सकते हैं कमेंट सेक्शन में। और हाँ, इसमें जो मैंने नई नई इजी टिप्स बताई है वो अपने फ्रेंड्स को शेयर करना ना भूलें, क्योंकि उसको भी शायद कप यूज़ तो करना है लेकिन इजी टिप्स नहीं पता होगी। तो आज ही अपने सारे व्हाट्सएप नंबर पर, फेसबुक पर, सही भी जगह पर ये वीडियो शेयर कर दीजिए। और जी हाँ, जो नए नए फ्रेंड्स हैं जो पहली बार मेरा वीडियो देख रहे हैं वो सब्सक्राइब करना भी ना भूले, और पास वाला बेल बटन है उसको भी प्रेस कर दीजिए ताकि जब भी नई वीडियो आए, लाइव सेशन आए तो आपको पता चल सके कि जी हाँ भाई, डॉक्टर प्रियंका भी लाइव हुई है। और एक बात, इस वीडियो को हो सके उतना लाइक कीजिए, क्योंकि लाइक मिलेगा, अप्रिसिएशन मिलेगा तो मुझे भी मजा आएगा। तो चलिए फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे नए वीडियो के साथ, नई नई बातों के साथ। स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी, बाय बाय।